Okay, Sachidanand, let's start your HR for the post of assistant engineer in Himachal Pradesh government electrical. And yes, sir. This is the interview is being conducted by Himachal Pradesh Public Service Commission, right? Yes, sir. Okay, so Sachidanand, let's start your introduction first. Okay, sir. Good morning, sir. Myself, Sachidanand Chaudhary. I belong to district Sant Kabir Nagar from Uttar Pradesh. And my father is a retired employee and he's a very hardworking person I have ever seen. My mother is a housewife and an excellent cook. I did my schooling from Mirzapur district in Uttar Pradesh and I completed my graduation in electrical engineering from BIT Jhansi. And apart from this, my hobbies are reading Quora, web surfing and listening to music in my spare time. That's it. Acha, aap Sachidanand kahan pe rehte hain abhi presently? Sir, currently I am living in Lucknow. तो आप उत्तर प्रदेश से हिमाचल जॉब करने के लिए क्यों आना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं हिमाचल जॉब इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि सर मुझे मतलब हिली रीजन थोड़े से पसंद आते हैं और जैसे कि एज ए प्रोफेशनल तौर पे देखा जाए तो सर मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक प्लस एनर्जी की स्टेट है। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ ये सब मतलब मैं वहाँ अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉलेज को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और प्लस हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ा इंडिया में हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेट है तो मैं वहाँ काम करके अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है? सर 2019। उसके बाद से क्या कर रहे थे आप? सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा था डिफरेंट एग्जाम की। तो कोई एग्जाम निकला आपका? यस सर, इससे पहले भी एग्जाम निकले हैं सर, लाइक HPCL एंड सम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइक एंड इन मेट्रो। तो आपने ज्वाइन नहीं किया कहीं पे? सर एक्चुअली मेरा फाइनल सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो पाया तो इस वजह से अभी भी मतलब प्रिपरेशन ऑन गोइंग है मेरी। तो आपको लगता नहीं चार साल से जब आप कुछ कर नहीं रहे तो आपका तो नॉलेज इंजीनियरिंग का लूज हो गया होगा अभी तक? नो सर, इट इज नॉट लाइक दैट कि इंजीनियरिंग की नॉलेज लूज हो गई है क्योंकि मैं सर कंटिन्यूस प्रिपरेशन करता रहा चूंकि मैं अभी जब एग्जाम में बैठता हूँ तो नियर अबाउट मेरे प्रिपरेशन इस लेवल की है कि मैं कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉलेज लूज हुई है। ये मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि एज ए मेरी नॉलेज मेरे पास भी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है इंजीनियरिंग की। अच्छा सचिदानंद, आप हिमाचल में जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? यस सर, मैं हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट सर जान रहा हूँ। सर अभी हमारे यहाँ 65 मेगावाट सर आई मे बी नॉट एक्यूरेट, अभी दो दिन पहले ही हमारे ऑनरेबल सीएम ने कहा है कि जो सौटैंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें बॉटल नेक को रिमूव किया जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी हाइड्रो की कैपेसिटी 265 मेगावाट का अभी हमारे यहाँ रन कर रहा है, 65 मेगावाट का रन कर रहा है। इसके अलावा 1130 मेगावाट के प्रोजेक्ट हमारे मतलब क्लियरेंस और सेटअप फेज में हैं। आपने कोल डैम का नाम सुना है? सर किस डैम का? कोल डैम, कोल। नो सर, सॉरी। अच्छा आप नाभथा झाकड़ी के बारे में जानते हैं? नाभथा झाकड़ी पावर वो हमारा जो एक प्लांट है। नो सर, एक्चुअली मैंने नाम सुना है लेकिन आई डिड नॉट नो। अच्छा ये हाइड्रल पावर पोटेंशियल जो है किसी स्टेट का ये किस चीज से डिसाइड होता है, कैसे पता लगाते हैं कि कितना हाइड्रल पावर पोटेंशियल है? सर हाइड्रो पावर पोटेंशियल हम देखते हैं कि वहाँ वाटर की फ्लो की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितनी हमारी रिवर मतलब वहाँ से बह रही है या ग्लेशियर या पावर के मतलब वाटर के सोर्सेस कितने हैं। इवन सर हिमाचल प्रदेश जिसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन सर अभी हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है थोड़ा सा मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि रिसेंट में जो जोशीमठ इंसिडेंट हुआ है इसका मेन काज कह रहे हैं कि NTPC का जो तपोवन मतलब क्या नाम है तपोवन प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर की वजह से मतलब लैंड स्लाइड और क्रैक्स के दिक्कतें आ रही हैं। तो इवन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी इस चीज को मतलब लोग कह रहे हैं कि हमें हाइड्रो पावर की तरफ से हल्का सा मूव करना पड़ेगा, रिन्यूएबल सेक्टर लाइक सोलर और विंड। सोलर की कैपेसिटी हिमाचल की कम है लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट सोलर की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा सचिदानंद, आपको पता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यस सर, हमारे मुख्यमंत्री हैं सुखिंदर सिंह सिक्कू सर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिराज। और गवर्नर साहब? सर आई एक्चुअली डू नॉट रिमेम्बर द गवर्नर। अच्छा आप ऊर्जा मंत्री का नाम जानते हैं हिमाचल के? सर
सर हिमाचल में सर मैं जब मतलब मिनिस्ट्री की वेबसाइट विजिट कर रहा था तो सर मैंने वहाँ देखा कि हमारे पास अभी कोई पावर मिनिस्टर नहीं है, लेकिन सर हमारे चीफ मिनिस्टर की प्रोफाइल में लिखा था कि हर वो डिपार्टमेंट जो मतलब किसी को अलॉट नहीं किया गया है वो हमारे सीएम का है। तो सर आई विल से कि हमारे अभी करंट में जो पावर मिनिस्ट्री देख रहे हैं वो सर हमारे ऑनरेबल सीएम ही है। आपने उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम नहीं दिया? सर दिया था लेकिन मैं उसे क्रैक नहीं कर पाया एक्चुअली। कोई नहीं, सर क्रैक हो जाएगा, तो जब क्रैक हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? सर एक्चुअली मैं मतलब इधर यूपी में ही पला बढ़ा हूँ। मैं सर अभी सोच रहा हूँ कि मैं हिली रीजन में अपनी मतलब क्या नाम है प्रोफेसर मतलब कैरियर अपना उधर करूँ। सर ये मोर और लेस सर देखेंगे तो क्या देखेंगे तो सर ये इधर यूपीपीसीएल और एचपीसीएल एचपीपीएल सर काम तो सर सेम ही रहता है असिस्टेंट इंजीनियर का सर, लेकिन वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। और सर मैं आगे की लाइफ अपनी मतलब ऐसे सिंपल नहीं, थोड़ा सा हल्का चैलेंजिंग वर्क करके मतलब स्पेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरह के इंसान हैं आप? सर मैं अपने आप को डिफाइन करता हूँ एक डेडिकेटेड और एडाप्टेबल पर्सन, वो जो कि कंसिस्टेंट है अपने काम के लिए। आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या रहे हैं, कुछ बताएं। सर मेरी हॉबी है क्यूरा रीडिंग करना, वेब सर्फिंग करना, और सर स्पेयर टाइम में सर मैं म्यूजिक को लिसन करता हूँ, बिल्कुल सॉल्विंग और ब्रेन गेम्स खेलना भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोरा पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है? सर क्यूरा पे इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है सर हम इसको इस सर इवन क्यूरा ही नहीं सर हम कहीं की भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। इसके लिए सर वेरियस मतलब कई रेफरेंस हमें देखने पड़ते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही है कि नहीं। हम उन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट और बाकी बाकी जगहों से, और हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पर्सन किस पोस्ट पे रहा है और बाकी सब। ओके ओके सचिदानंद, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। सचिदानंद, जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आपको ये बताएंगे, डायरेक्शन आपको देंगे कि कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने कॉपी लेके क्या क्या लिखना है, आपने कॉपी पे वो सारा डिपार्टमेंट्स के नाम, इन द सेंस के मिनिस्ट्री कौन कौन सी है और उनके गवर्नर, स्पीकर का नाम क्या है, गवर्नर साहब का नाम क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ऊर्जा मंत्री अगर कोई है, मेरे को नहीं पता है कि नहीं है, वो आप चेक करेंगे उनके जाके, विधानसभा की वेबसाइट होगी, विधानसभा की वेबसाइट पे भी जाएंगे, हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे भी जाएंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता कर लो, एनटीपीसी और एनएचपीसी के, इवन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोल्ड एम उन्हीं का है, ये एनटीपीसी और एनएचपीसी दोनों के ही प्रोजेक्ट है हिमाचल के अंदर, उनको थोड़ा सा आपने गो थ्रू करना है। छोटी स्टेट है, 12 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और एक क्वेश्चन की हिमाचल को आना चाहते हैं वो भी गलत था, और अगर आपका उत्तर प्रदेश में हो गया तो क्या करोगे, वो क्वेश्चन का आंसर भी गलत था। हिमाचल क्यों आना चाहते हैं कि सर मैं एक गेजेटेड, मैंने जब इंजीनियरिंग किया था तो मैं तैयार था कि गेजेटेड पोस्ट अगर मेरे को मिलती है गवर्नमेंट में तो इंडिया में मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर था, और ये एक गेजेटेड पोस्ट है सर तो मैं इसके लिए हिमाचल आ सकता हूँ। मोर ओवर हिमाचल एक बहुत अच्छा सर पीसफुल स्टेट है, मैं पहले भी विजिट किया है हिमाचल, मेरे को काफी अच्छा लगता है। बस इतना सा आंसर आपने करना है इस चीज का कि आप फिर कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हैं। सर मैं क्या इसमें ये बोल सकता हूँ कि सर मैंने मेरी मतलब ग्रेजुएशन झांसी से की जो कि हिली रीजन ही था। नहीं, 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 नहीं। वो तो लिंक बढ़ाने वाली बात हो जाती है ना कि लिंक आप बढ़ाने की ट्राई कर रहे हो, वो नहीं करना। आपने बोला कि सर मैं हिमाचल पहले भी विजिट कर चुका हूँ और मेरे को बहुत अच्छी स्टेट लगती है, पीसफुल स्टेट है, छोटी स्टेट है, और जो है मेरे को गेस्टेड पोस्ट मिल रही है तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू गो। दूसरा, यूपी उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो आप बोल रहे सर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मेरे को लगता है जब तक मेरे को यूपी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो मेरे को उसके लिए एग्जाम लिखना पड़ेगा, जो मैं मेरे को लगता है आफ्टर आई गेट इनटू असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट इन हिमाचल उसके बाद मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई एग्जाम लिखना चाहिए या मैं लिखूंगा। बट अगर मेरा होता भी ऐसा तो कुछ साल के बाद होगा, तब तक मेरी हिमाचल में सीनियोरिटी बन चुकी होगी, आई वुड नॉट लाइक कि मैं जाऊं, और मोर ओवर यहाँ की पोजीशन जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश की पोस्ट से अच्छी ही है, तो व्हाई शुड आई लूज माय सीनियोरिटी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें क्या पर्सनली ये नहीं सकते कि मुझे हिली रीजन पसंद है या बाकी सब? बोल सकते हैं कि मैंने हिमाचल विजिट किया है, मेरे को हिली रीजन अच्छा लगता है सर, इसलिए मैं हिमाचल में आना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर है। ओके।